हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ काफी बढ़िया होगा। तो गाइस, आप लोगों को काफी कमेंट आ रखे हैं। मैंने वाईटी स्टूडियो का आज ओपन करके देखा तो उसमें कई कमेंट थे कि पिंटू भाई, आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, कई दिन हो गए वीडियो नहीं आ रही है आपकी। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, मैं अभी कई दिन से कहीं बाहर घूमने नहीं गया हूं और कोई चीज दिखाने लायक नहीं थी, इसलिए मैंने वीडियो को शूट नहीं किया था। लेकिन आज की वीडियो में मैं कुछ आपको अच्छा दिखाने की कोशिश करूंगा। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, प्लीज वीडियो को पूरा बहुत जरूर करना एंड चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो पहले मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद जो है हम वीडियो शूट करेंगे। सो गाइस, देख सकते हो मोहल्ले पड़ोसे कितने लोग इकट्ठे हो गए हैं सांप को देखने के लिए। सो मैं आपको दिखाता हूँ, वो लकड़ी है ना, लकड़ी के पास में है एंड अभी एक जो है अंकल जा रहे हैं पकड़ने के लिए। मैंने मना करा था, घर नहीं आ रही है तू, घर चल जा, चांद पे मार दूँ इसे, हट जा, मुंह फट जाएगा, देखो देखा आपने कितना बड़ा सांप था और अंकल भी बच गए, उन्हें भी काट खा सकता था, कितनी तेज से फड़फड़ा रहा था उनके हाथ में। सो अंकल भी बच गए, नहीं तो वो भी लपेटे में जाते। सो मैं अभी नहाया नहीं हूँ और बस सांप देखने के लिए निकल आया। गाइस, मैं नहा धोकर के तो रेडी हो गया हूँ और अब हमें करना क्या है, मैं आपको दुकान की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पर एक हमारे मौसा जी की दुकान है, खाना बन के रेडी हो गया है तो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे दुकान पर। सो खा लेते हैं। खाने में है रोटी एंड चावल और ये बैगन की सब्जी है और दाल है। दाल किसकी है? मसूर की। सो खा लो सभी भाई, खाना मैंने खा लिया, अब चलते हैं दुकान की तरफ। मेरे मौसा जी हैं, उनकी एक परचून की दुकान है। सो वहाँ पर तन्मय बैठा होगा और वो पक्का गेम खेल रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी जाके। सो दुकान घर के पास में है और हम दुकान पर भी आ चुके हैं। सो ये है दुकान एंड ये है तन्मय कुशवाहा। क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? पबजी खेल रहा है। सो मैंने आपको बताया था पक्का वो पबजी खेल रहा होगा। तो जी हमारे कस्टमर आए हैं, देख सकते हो छोटे छोटे। क्या लोगे, क्या लेगी ये? हाँ खा लो गाइस। ये तो होगी दुकान, देख सकते हो ये है फ्रिज एंड इसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह लगी हुई है एंड ये है आटे के कट्टे, यानी कि सारा सामान दुकान में देख सकते हो। और ये तो है कॉस्मेटिक का, देख सकते हो एंड यहाँ पर ये दालें वगैरह लगी हुए हैं एंड चावल, चावल सब प्रकार के चावल हैं यहाँ पर और ये दालें हैं और ये पापे वगैरह एंड आलू प्याज। जैसी दुकान है वैसी सेल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो गांव है ना, छोटा सा गांव है और दुकान हमारी काफ़ी बड़ी है और यहाँ पर इतने कस्टमर नहीं है जो यहाँ पर आकर के सामान को ज़्यादा से ज़्यादा परचेस कर सकें। और दुकान के पीछे है एक छोटी सी बगिया, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अंदर हमें फल के पेड़ हैं, कई सारी चीज़ें देखने लायक। तो गाइस ये है बगिया, देख सकते हो यहाँ पर ये चचंडे लगे हुए हैं एंड ये संबल का पेड़ है, सिंबल आते हैं इस पर, और ये वाला पेड़ है सरीपे का और ये चचंडे लगे हुए हैं, कई सारे चचंडे लगे हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हो। येरा वेरा, ये तो शायद ख़राब ही हो गया एंड ये भी है, और ये वाला इमली का पेड़ है और यहाँ पर एक चीपू का भी पेड़ है, मैं उसे आपको दिखाता हूँ। सो ये वाला पेड़ शायद चीपू का है, ये चीपू का पौधा है ये वाला गाइस, और ये वाला आम का पेड़ है एंड ये वाला जामुन का पेड़ है, ये वाला देख सकते हो। ये वाली है काली तुरई जैसे कि आप देख सकते हो और ये भैया हैं, ये तोड़ के ले जा रहे हैं, सब्जी बनेगी आज। सो तोरी तोड़ेंगे एंड चिचंडा है वो भी तोड़ेंगे अभी। तो ये वाला तो मैं ही तोड़ देता हूँ। सो टूट चुका है चिचंडा जैसे कि आप देख सकते हो। सो हमने इतने सारे चिचंडे एंड काली तोरी तोड़ लिए हैं और आपको कैसी लगी बगिया कमेंट करके जरूर बताना। ये वाला चिचंडा देखो गाइस कितना बड़ा है, सबसे बड़ा ये वाला है, देखा ना अलग करके। सो देख सकते हो यार काफ़ी हाइट है जैसे कि आप देख ही सकते हो।
दिखा रही हूँ भैया, बाल रख दो इसके ऊपर। तो गाइस यहाँ पर एक टेम्पल है, उसे देवता बलि बोलते हैं और नदी की पार पे बना हुआ है, यानी काफी अच्छा व्यू है वहाँ पर, देखने लायक है। रोहन और मैं दोनों ही घूमने जा रहे हैं वहाँ पर, सो आप भी चलिए और आपको भी हम दिखाएंगे वहाँ पर जो भी चीजें देखने लायक। तो गाइस यह है देवता बलि, जैसे कि गाइस आप देख सकते हो वहाँ पर सामने रोहन बैठा हुआ है, एंड यहाँ पर भी उधर भी देखने लायक चीज़ है, उधर भी चलेंगे, टेंपल टाइप का बना हुआ है और ये देख सकते हो पूरा। और ये सामने है ना, ये सामने जो है हवन कुंड है, अंदर भी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर पहले हवन हुआ करता था। इस स्थान के बारे में बात की जाए तो गाइस यहाँ पर मंगलवार को एक दरबार लगा करता था और काफ़ी भीड़ रहती थी, यानी कि यहाँ का काफ़ी अच्छा माहौल रहा करता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई बात हो गई थी जब से जो है यहाँ पर दरबार लगना बंद हो गया था। और इस जगह की बात की जाए तो ये जगह पड़ती है शाहपुर में, वे कुंड की तरफ, तो यहाँ पर आपको दो शेर देखने को मिलेंगे, एंड अंदर चलते अंदर दिखाता हूँ मैं आपको। तो चप्पल हम यहाँ उतार देते हैं और चलते हैं अंदर। सो गाइस ये देख सकते हो, ये है हवन कुंड और ऊपर से कुछ इस प्रकार का बना हुआ है, यानी कि काफ़ी बड़ा है। और गाइस यहाँ की भी एक खास बात आपको बताऊँ, जब नवदुर्गा स्टार्ट होते तो फर्स्ट नवदुर्गा से लास्ट नवदुर्गा तक जो है हवन चलता ही रहता था, एक भी मिनट के लिए रुकता नहीं था। सो गाइस ये खास बात है यहाँ की, इधर की तरफ भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इधर चलते हैं हम, तो यहाँ पर काफ़ी घास हो गई है, यानी कि यहाँ पर पहले एक कुठिया हुआ करती थी, सो वो हटा दी है यहाँ से, और ये जंगल सा बन गया है यहाँ पर पूरा, एक तरह से आप देख ही सकते हो। यहाँ पर एक मंदिर है, ये वाला देख पा रहे हो, और उधर की तरफ भी जो एक मंदिर वहाँ बना है, एक ये है, ऐसे यहाँ पर छोटे छोटे कई सारे मंदिर बने हुए थे। और यहाँ से इधर की तरफ जाएंगे तो हमें यहाँ पर नदी देखने को मिल जाएगी, सामने नदी है वह, सामने देख पा रहे हो, एक बार हम आए थे वहाँ पर दलदल में फंस गए थे, तो यही नदी है वो वाली। और इधर की तरफ व्यू कुछ इस प्रकार का है, और ये है देवता वाली। इसलिए लगा रखे हैं कि अगर इसमें बाढ़ आए या पानी ज़्यादा आए तो ये वाली मिट्टी कटे ना, अगर ये मिट्टी कटती तो इधर की तरफ नदी कट जाएगी, सो इसलिए ये लगा रखे हैं। तो गाइस ये पेड़ किसका है बताओ कमेंट करके अभी मुझे, आपको पता है तो, और नहीं तो मैं ही बता देता हूँ। ये देख पा रहा क्या है, कटहल। सो गाइस ये है कटहल का पौधा। गाइस हमें काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर घूमते घूमते, तो गाइस अब चलते हैं घर की तरफ और इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई हुई, पसंद आई वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। यार वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि मैं ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।